गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रेयॉन की विशेषताएं। रेयॉन की विशेषताओं में हम कर रहे थे भौतिक विशेषताएं। रेयॉन की भौतिक विशेषताएं, दो तीन विशेषताएं हमने इसकी की थी। इसमें हमने कर ली थी उसकी संगठन क्या होता है, संगठन सूक्ष्मदर्शी व्यू कर लिया था, सूक्ष्मदर्शी रचना, लंबाई की बात की थी। तीन भौतिक विशेषताओं के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इसके व्यास की बात करेंगे। कि इसका व्यास कैसा होता है, जो रेयॉन है, रेयॉन की अगर व्यास की बात करते हैं तो ये किस पर डिपेंड करता है। जो भी कृत्रिम रेशे हैं उनका व्यास है वो उनके स्पिनी रेट के छिद्रों पर डिपेंड करता है। स्पिनी रेट के छिद्रों के अगर हम जैसा रेशे का व्यास चाहते हैं वैसा ही हम क्या ले लेते हैं, स्पिनी रेट के छिद्र ले लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, रेशे का व्यास बन जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, स्पिनी रेट के छिद्रों पर। तो रेयॉन के व्यास में क्या है, भिन्नता लाने के लिए दबाव परिवर्तित करना होता है जिससे गाढ़ा जो घोल होता है वो स्पिनी रेट से नियंत्रित प्रवाह से निकले, यानी उसके ऊपर जब वो स्पिनी रेट से निकाल रहे होते हैं उसको तो उस पर क्या है, एक दबाव डाला जाता है, फोर्स डाला जाता है जिससे क्या है वो उसके व्यास डिपेंड करता है। इस प्रकार क्या है, भिन्न भिन्न व्यास का रेशा बनाया जाता है। कुछ रेशे अत्यंत बारीक होते हैं और जिनमें से सूत निर्माण के लिए 100 से 150 बारीक रेशों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इसमें बात करते हैं मजबूती की। सूत का रेशा बनाने के लिए क्या है, इसके 100 से 150 रेशों की आवश्यकता पड़ती है, रेशों की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं स्ट्रेंथ की, व्यास बात करते हैं मजबूती की। अब इसकी मजबूती है वो कैसी होती है, कृत्रिम जो भी रेशे होते हैं रेयॉन के रेशे में ऊन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक मजबूती होती है, परंतु सिल्क के अपेक्षा क्या है, इसकी एक तिहाई मजबूती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी इसकी रेश की जो मजबूती है ऊन के कंपैरिजन में तो क्या होती है, ऊन की तुलना में कम होती है, सॉरी ऊन की तुलना में तो अधिक होती है, अधिक होती है, और रेशम की तुलना में, रेशम की तुलना में कम होती है इसकी मजबूती। तो इस प्रकार से क्या है, ये इसकी मजबूती होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सूखी अवस्था में ये अधिक मजबूत होते हैं, परंतु जब गीली अवस्था होती है तब क्या है, इनकी मजबूती कम हो जाती है। सूखी अवस्था में मजबूती अधिक होती है, गीली अवस्था में इसकी जो मजबूती है, गीली अवस्था में, गीली जब अवस्था होती है तो इसकी मजबूती बिल्कुल ही कम हो जाती है। यानी 40 to 70% क्या है, टोटल इसकी जो मजबूती है उससे क्या है, 40 to 70% क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी इतनी ज़्यादा वो इफेक्टेड होती है इससे गीली अवस्था में। इसलिए क्या है, इसको आराम से धोने की आवश्यकता होती है। सूखने के पश्चात क्या है, ये पुनः अपनी मजबूती को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अतः वस्त्र की जो सफाई और धुलाई जब हम करते हैं, यानी गीले कब होते हैं कपड़े, जब हम धोते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, कपड़ों पर
केयर करनी पड़ती है, उसको ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें रगड़ रगड़ कर नहीं धोना चाहिए। रेशमी जो वस्त्र के समान ही इसकी धुलाई करते समय अतिरिक्त जो सतर्कता है उसका ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं इसकी चमक की, बात करते हैं। आपको बताई थी कि रेयोन का रेशा है वो काफी क्या होता है, चमकदार होता है। रेयोन का रेशा क्या होता है, काफी चमकदार होता है। और इसकी चमक को कम किया जाता है, चमक को कम करने के लिए आपको क्या बताया जाए, इसमें मोम, पैराफिन वैक्स और क्या है, टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है चमक को कम करने के लिए। आपको पहले बताया था चमक को कम करने के लिए मोम, पैराफिन और टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है चमक को कम करने के लिए। तेल का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, तेल का प्रयोग भी किया जाता है चमक कम करने के लिए। इसके लिए क्या है, पर्याप्त जो भी हम इसके गार्मेंट्स बनाते हैं, परिधान बनाते हैं, उसके लिए क्या है, इसकी चमक कम होनी चाहिए और क्या है, अधिक अथवा फीकी की जा सकती है। अगर हम, आपने देखा होगा, अगर क्या है ज़्यादा चमक के कपड़े पहनते हैं तो वो क्या है देखने में भद्दे दिखाई देते हैं और क्या है सस्ते भी दिखाई देते हैं, भद्दे भी दिखाई देते हैं और सस्ते भी दिखाई देते हैं। इसलिए क्या है रेयोन का रेशा क्या है, जब बन रहा होता है उसी स्टेज पर क्या है, इसमें क्या है उसी स्टेज पर क्या है, कम करने के लिए चमक को उसमें मोम, पैराफिन, तेल और टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब है इसमें स्थानीय चमक कम करने के लिए रेयोन निर्माण हेतु जो तैयार गाढ़ा घोल है, मैंने बताया जो तैयार गाढ़े घोल को क्या बोलते हैं, कोलाइडल घोल बोलते हैं। कोलाइडल घोल में ही क्या है उसी कंडीशन में क्या है इन चीज़ों को मिला दिया जाता है और फिर क्या है इसे स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है, उसके बाद क्या है इनकी चमक कम हो जाती है। अब इसके बात करते हैं रंग की, बात करते हैं। अब इसमें रंग में क्या बताया है, इसका सामान्यतः जो रेयोन का रेशा है वो श्वेत होता है, श्वेत रंग होता है इसका, जो रेशा है उसका श्वेत रंग होता है और क्या है इसके लिए, परंतु इन्हें भिन्न भिन्न रंगों में रंगा जाता है। मुख्यतः तो ये क्या होता है सफेद रंग का ही होता है, लेकिन क्या है इसको भिन्न भिन्न रंगों में रंगा जाता है, रंगों में भिन्न भिन्न रंगों में इसको रंगा जाता है। और क्या है इसमें हम क्या करते हैं घोल में ही क्या है वांछित रंग डालकर फिर स्पिनरेट से निकाला जाता है। इस प्रकार क्या है रेयोन के रेशे भीतर ही क्या हो जाते हैं उनके जो कलर है। अगर हम रेयोन को ऊपर से किसी भी वस्त्र के अगर आप ऊपर से कलर डालते हो तो वो कम पेनिट्रेट करते हैं किसके कंपैरिजन में, यानी वो वस्त्र के रेशों जो होते हैं रेशों में अंदर तक कम जाते हैं किसके कंपैरिजन में, जब रेयोन, जब कोई भी रेशा बन रहा होता है।
पर अगर हम रंग डाल देते हैं तो क्या है, उसकी जो कलर है वो ज़्यादा अच्छे होंगे और क्या होंगे, लंबे टाइम तक चलने वाले होंगे। अगर हम ऊपर से कलर अप्लाई करते हैं तो वो क्या है, दो चार वॉश के बाद ही निकलने का उनका डर रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, कताई करते समय विस्कस रेशा पीला, एसिटेट रेशा रंगहीन तथा क्यूप्रामोनियम जो रेशा है वो सफ़ेद होता है। जब कताई करते हैं तो उसी समय पर क्या है, जो विस्कस रेशा है, विस्कस रेशा है वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। एसिटेट जो रेशा होता है वो रंगहीन होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। और क्या है, क्यूप्रामोनियम जो रेशा होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो ये क्या है, रेशे की रंग के बारे में है। अब हम बात करते हैं प्रत्यास्था की बात करते हैं। चमक में काफी चमकदार होता है, चमक कम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चमक कम करने के लिए क्या डालते हैं, मोम पैराफिन तेल और टाइटेनियम डाइऑक्साइड डालते हैं। और क्या है, इसको रंग रेशो को क्या है, रंगने के लिए जब ये यान स्टेज पर होता है, बुनाई की स्टेज पर होता है, उसी स्टेज पर इसको बन लिया जाता है। तो ये क्या है, इसके रेशो की। अब प्रत्यास्था की बात करते हैं। रेयोन में प्रत्यास्था इलास्टिसिटी है, पाई जाती है। इसमें क्या है, जो इलास्टिसिटी है वो पाई जाती है। क्यूप्रामोनियम रेशे को खींच कर कताई की जाती है, जिससे पर्याप्त जो लोच होती है वो इसमें आ जाती है। अतः ये जो रेशे होते हैं वो अपनी मूल लंबाई को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। यानी प्रत्यास्था का गुण, यानी इलास्टिसिटी का गुण जिस भी रेशे में होगा वो क्या है, खींचने के बाद क्या है, अपनी जो भी लंबाई होती है, जो उसकी आकार होता है, वो उसको पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी तरह विस्कस रेयोन में भी अत्यधिक क्या होती है, प्रत्यास्था पाई जाती है। अब हम अलग अलग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रेयोन रेशा है वो तीन विधियों से बनाया जाता है। तो आपको बताया था नाइट्रोसेलुलोज जो विधि है उससे रेशा नहीं बनाया जाता है, परंतु जो क्या है, क्यूप्रामोनियम और विस्कस जो रेशा है वो अभी भी बनाया जाता है। तो क्या करते हैं, विस्कस रेयोन में अत्यधिक प्रत्यास्था होती है, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। इन्हें निर्मित करते समय घोल को कुछ बड़े व्यास के स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारते हैं, फिर बाद में क्या है, गुजारने के पश्चात इन्हें खींचकर व ऐठन देकर धागा बनाया जाता है। यानी इनको थोड़ा खींचकर फिर ऐठन दी जाती है, ताकि क्या है, इनमें जो इलास्टिसिटी होती है वो अच्छे से आ जाती है। इस कारण क्रश होने अथवा मुड़न जाने के पश्चात भी ये वस्त्र स्वतः ही अपनी मूल आकृति के आकृति को प्राप्त कर लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि रेयोन के, आजकल क्या है, मार्केट में रेयोन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितने भी आप देखते हो कुर्तीज़ हैं, कई तरह के फैब्रिक है, जो क्या है, रेयोन का प्रचलन ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि क्या है, ये इनकी जो इलास्टिसिटी के गुण के कारण क्या है, इनको बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती। इनको एक बार आप अच्छे से धोने के बाद भी अच्छे से फोल्ड करके रख देते हो, तय बना के रखते हो, तो इनको कई बार तो प्रेस की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब आपने देखा होगा जैसे कॉटन में होती है, कॉटन को हर धुलाई के बाद में क्या होता है, उसको प्रेस करनी आवश्यक हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं, हम प्रतिस्कंदता की बात करते हैं। इसका जो अगला गुण है वो है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता की बात करते हैं तो प्रतिस्कंदता है, अगर इलास्टिसिटी अच्छी है तो क्या है, प्रतिस्कंदता भी अच्छी होगी। यानी रेयोन वस्त्रों में ऊन एवं सिल्क से कम प्रत्यास्था पाई जाती है। प्रत्यास्था तो, प्रतिस्कंदता तो होती है, परंतु क्या है, ऊन और रेशम की कंपैरिजन में वो कम होती है। थोड़े समय तक थोड़ा खींचने के पश्चात
तो ये अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु अगर इनको अधिक समय तक खींच कर रखते हैं तो ये क्या है, अत्यधिक खींचे जाने के बाद अपनी आकृति को खो देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये पुनः अपनी आकृति को ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे क्या है, ये फैले फैले से रह जाते हैं, साथ ही रेशे कमजोर व निर्बल भी पड़ जाते हैं। यानी क्या है, जो प्रतिस्पर्धा का गुण है वो क्या है, रेशम और ऊन की तुलना में, रेशम और ऊन की तुलना में क्या है, ये कम होता है, ऊन की तुलना में कम होता है, लेकिन क्या है, इनमें ज्यादा होती प्रतिस्पर्धा रेयोन में कम होती है, और अगर इनको क्या है थोड़ा सा खींचते हैं तब तो ये पुनः अपनी आकृति को प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम इनको अत्यधिक खींचते हैं, काफी देर तक खींच के रखते हैं, तो ये पुनः अपनी आकृति को नहीं ग्रहण कर पाते और जो वस्त्र हैं वो खींचे खींचे से दिखाई देने लग जाते हैं, फैले फैले से दिखते हैं कि ये, और कई बार क्या होता है रेशे कम खींचने के कारण कमजोर हो जाते हैं, फट भी जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव। प्रभाव क्या पड़ता है रगड़ और घर्षण का, इस पर क्या है, रगड़ के वस्त्रों इस पे क्या है, रेयोन के वस्त्र पर रगड़ व घर्षण का क्या है, बुरा व हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या हो जाते हैं, रेशे निर्बल एवं कमजोर हो जाते हैं, और क्या है, बार बार रगड़ने से इनकी चमक भी चली जाती है। आप आजकल यूज़ कर रहे हो तो आपने देखा होगा रेयोन के कपड़े को अगर हम ज़्यादा रगड़ते हैं तो क्या है, इनका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, यानी इनकी चमक जो ओरिजिनल होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, इनकी धुलाई अत्यंत सावधानी से करनी पड़ती है। भीगने के पश्चात क्या है, इनके रेशे, अभी बताया था आपको कि क्या हो जाते हैं रेशे भीगने के पश्चात क्या है, 42 यानी 40-70% तक इसकी मजबूती है वो कम हो जाती है, इसलिए धोते समय इनको बड़ी ही सावधानी से धोया जाता है। और क्या है, जिससे क्या है, अगर इनको सावधानी से नहीं धोते हैं तो भीगने के पश्चात क्या है, ये अपनी शक्ति को खो देते हैं, और थोड़ा सा रगड़ने पर या जल्दी घिसक कर क्या है, फट जाते हैं, इनकी आकृति भी बढ़ जो है वो बिगड़ जाती है। अब बात करते हैं संकुचन की, बात करते हैं संकुचन की, बात करते हैं श्रिंकेज की, बात करते हैं। आप देखते हो कि रेयोन के सिकुड़ने का अवगुण जो इसमें है, रेयोन में सिकुड़ने का अवगुण होता है, इसके कारण इनसे बने वस्त्रों के व्यर्थ हो जाने की आशंका रहती है। आपने देखा होगा, मैंने बताया कि अगर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन आप अगर इसको तोड़ मरोड़ के ऐसे रख देते हो, ऐसे इकट्ठा करके रख देते हो फैब्रिक को, जैसे मैं यूज़ किया और उसको इकट्ठा करके रख देते हो, तो उसमें वैसे ही चुन्नटें बन जाती हैं। तो इसलिए क्या है, इनको जब इनकी फिनिशिंग कर रहे होते हैं, जब परिसज्जा करते समय क्या है, संकुचन प्रतिरोधी परिसज्जा इनको दी जाती है, यानी जो फिनिशिंग है उनमें क्या है, संकुचन प्रतिरोधी परिसज्जा इनको दी जाती है, ताकि क्या है, कुछ हद तक क्या है, इसके संकुचन प्रतिरोधी क्या है, धागे ही क्या है, परिधान हेतु उपयोगी होते हैं, इसलिए वो कुछ हद तक क्या है, उनकी कम हो जाती है। अब इसमें सफाई एवं धुलाई का है, हालांकि रगड़ एवं घर्षण में भी आ जाता है, लेकिन क्या है, आपके पॉइंट अलग से बनेगा कि सफाई एवं धुलाई। अभी आपको क्या बताया कि सफाई एवं धुलाई में इनको क्या है, ध्यान से धोना पड़ता है। क्यों धोना पड़ता है, क्योंकि इनकी क्या है, 40-70% क्या है, इनकी गीली होने की अवस्था में जो है वो